हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डचों को। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट वन को देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा था यूरोपियों के आगमन के क्रम को, उनकी कंपनियों की स्थापना को क्रम को। उसके बाद पुर्तगाल को पढ़ा था, उनके वायसराय नियुक्त होकर आने लगे थे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अल्मीडा को, अल्बुकर्क को, नुएनो डी कोनारो। तो आज हम लोगों का है डच, जिसमें हम लोगों ने पुर्तगाल को पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे डच को। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जितने भी जी के रिलेटेड एग्जाम है उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डच आते हैं सबसे पहले, जब डच आते हैं तो जाते हैं यूरोप से, आते हैं डच सबसे पहले जाते हैं इंडोनेशियन क्षेत्र में। डच आते हैं सबसे पहले तो जाते हैं इंडोनेशियन क्षेत्र में, वहाँ से वो शुरू करते हैं व्यापार, किसका, मसालों का। और आप लोगों को बता दें कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि डच कब आए थे, तो 1595-96 यानी कि 1595 ईस्वी में डच आए थे। 1595 में डच आए थे। कंपनी की स्थापना उन्होंने 1602 ईस्वी में किया था, और प्रथम कोठी का निर्माण उन्होंने 1605 ईस्वी में किया था। कहाँ, तो मसूली पट्टम में। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले से। डच आए थे 1595 ईस्वी में, कंपनी की स्थापना की थी 1602 ईस्वी में, तथा उन्होंने प्रथम कोठी बनाई थी अपनी 1605 ईस्वी में मसूली पट्टम में। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1595 में उनका आगमन, यानी वो आए थे। 1602 ईस्वी में उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी, कोठी उन्होंने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनाई थी। और इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए, डच आए थे यूरोप से, और सबसे पहले वो गए थे इंडोनेशियन क्षेत्र में, और वहां से उन्होंने शुरू किया था मसाले का व्यापार। क्या है कि डच के क्षेत्र में जो बर्फीले क्षेत्र हैं, उनमें जो ठंडियों के दिन में भोजन की किल्लत होती है, तो जो यहाँ से इंडोनेशियन क्षेत्र से काली मिर्ची जाती थी, मसाले जाते थे, वो चिकन और मटन पर लगाकर खाए जाते थे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ से शुरू किया था मसाले का व्यापार। ठंडियों के दिन पे यहाँ पर जो है वो मसालों की अधिक मांग होती थी, इसलिए इन्होंने यहाँ से मसाले का व्यापार शुरू किया था। इंडोनेशियन क्षेत्र से ये आते हैं भारत के क्षेत्र में, और यहाँ से ये लोग शुरू करते हैं कपड़ों के व्यापार को। डच आते हैं सबसे पहले इंडोनेशियन क्षेत्र में, यहाँ से शुरुआत करते हैं मसालों के व्यापार को। उसके बाद ये आते हैं इंडिया के क्षेत्र में, और यहाँ से शुरू करते हैं कपड़े के व्यापार को। ये कपड़े के व्यापार को अधिक महत्व देते हैं। कहा जाता है कि जहाँ एक तरफ पुर्तगालियों ने भारत के मसाले को अधिक प्राथमिकता दिया कपड़ों की तुलना में, वहीं जो डच थे उन्होंने भारत के कपड़ों को अधिक महत्व दिया मसाले की तुलना में। इसका कारण था कि वे अधिक मात्रा में जो मसाले थे वो इंडोनेशियन क्षेत्र से प्राप्त करते थे। अब जब आते हैं डच भारत के क्षेत्र में, तो वो भारत के सूती वस्त्र, अन्न वस्त्र अर्थात कपड़े को भारत से ले जा करके यूरोप के बाजार में बेचना शुरू करते हैं। इससे इन्हें अधिक मात्रा में मुनाफा प्राप्त होता था। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पुर्तगाल जब आए थे, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से जब आए थे, तो वो जब भारत से व्यापार कर गए थे, तो उन्होंने अपने सारे खर्चे को निकाल दिया था, तब 60 गुना मुनाफा उन्हें प्राप्त हुआ था। इस प्रकार इंडोनेशियन क्षेत्र डच जो आते हैं भारत में, भारत के कपड़ों को ले जाकर यूरोप के बाजार में बेचना शुरू करते हैं, और उन्हें अधिक मात्रा में मुनाफा प्राप्त होता है। और इसी मुनाफे की देन थी कि शुरुआत में भारतीय शासकों ने भी यूरोपियों का समर्थन किया, उनकी कंपनियों को स्थापित करने के लिए इजाज़त दी, यहाँ तक कि उनकी कंपनियों को भी उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन जब भारतीय शासकों को यह एहसास होने लगा कि ब्रिटिशों का, यूरोपियों का
उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना नहीं अपितु राजनीति मामलों में हस्तक्षेप करना भी है, तब शुरू होता है संघर्ष का दौर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 1757 की क्रांति, जिसमें पलासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध। तो ये सब हम लोग आगे वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर। इसमें आप लोगों को एक घटना याद रखनी है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1761 में क्या होता है कि अंग्रेजों के मध्य और डचों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। 1761 में अंग्रेजों के मध्य और डचों के मध्य युद्ध होता है, जिसे बेडरा के युद्ध कहते हैं। ये बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। 1761 में डचों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है, जिसे हम लोग बेडरा का, कहीं कहीं बेडरा भी लिखा रहता है, बेडरा का युद्ध होता है, जिसमें जो अंग्रेज होते हैं वो डचों को पराजित कर देते हैं। इससे तय हो जाता है कि डच भारत में ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकती और अंग्रेज आगे बढ़ते चले जाते हैं और लगभग डचों का जो है वो भारत से बोरिया विस्तार समाप्त कर दिया जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1759 बेडरा का युद्ध, जिसमें डच पराजित हो जाते हैं, अंग्रेजों से डच पराजित हो जाते हैं और इससे तय हो जाता है कि डच भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। तो आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1595 में इनका आगमन होता है। 1602 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की कंपनी की। प्रथम कोठी इन्होंने 1605 ईस्वी में बनाई, मसूलीपट्टनम में बनाई। और 1759 में बेडरा का युद्ध होता है, जो बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। इसमें जो अंग्रेज हैं वो डचों को पराजित कर देते हैं और इससे तय हो जाता है कि डच भारत में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। तो डच से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं जाते हैं। हम लोगों ने मेन पॉइंट को देख लिया है, आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और एक बात और आप लोगों को बता दें कि हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ये है ऑस्ट्रेलिया। जो कोलंबस थे उन्होंने भारत की खोज के लिए निकले भारत की खोज के लिए। कहाँ से निकले? यूरोप से। उन्हें आना था इस मार्ग से या इस मार्ग से, वो गए इस मार्ग से और उन्होंने खोज की अमेरिका की। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी और वास्को डी गामा अफ्रीका को क्रॉस करते हुए भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। इन्होंने 1492 में की थी और इन्होंने 1498 में, और जिस मार्ग से ये भारत में आए थे उसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये बाय मिस्टेक आप लोगों को 1495 बता दिया था। तो आप लोग इसे ठीक कर लीजिएगा कि कोलंबस ने भारत की खोज 1492 ईस्वी में, कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाया करिए, इससे आप लोगों को पता चलेगा आपकी तैयारी कैसे चल रही होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें तथा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।